वक्त तेजी से गुजर रहा है, इस गुजरते हुए वक्त को समेटना चाहती हूँ। जो पल तेरे साथ मैंने बिताए हैं, उस पल को फिर से जीना चाहती हूँ। जो लम्हा तेरे साथ गुजरा है, उस लम्हे को फिर से याद करके एक नई सुबह की तरह फिर से जीना चाहती हूँ। हाँ, मैं इस वक्त को समेटना चाहती हूँ। सो हैप्पी बर्थडे, विश यू अ मैनी मैनी रिटर्न ऑफ द डे, एंड आई विश ये बर्थडे आपकी सारी की सारी मनोकामनाएं पूरी करें और आपको वो हर चीज़ मिले जो आप डिसर्व करते हो, और आप मेरे दिल के जितने करीब हो ये मैं शायद लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। सो विश यू अ मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। नाम मैं लेना नहीं चाहूँगी और नाम मैं बताना नहीं चाहूँगी, पर ये मान लीजिए आप मेरे दिल के बहुत करीब हो, इसलिए आपको गुमनाम ही रखना चाहूँगी। सो ऑन द ओकेशन ऑफ योर बर्थडे, आपने जो मुझसे गिफ्ट मांगा है वो गिफ्ट आपको आज शाम को 6 बजे मिल ही जाएगा। हाँ, ये गिफ्ट सिर्फ ये जो गिफ्ट है वो इनके लिए नहीं है, इन्होंने जो गिफ्ट मांगा है वो आप सबके लिए भी है। हाँ, इन्होंने मुझसे एक डिमांड करी थी कि मेरे बर्थडे पे क्या आप एक ऐसी स्टोरी डालोगे जो बहुत यूनिक और डिफरेंट हो। तो हाँ, आज शाम को 6 बजे से रोज शाम को 6 बजे एक नई स्टोरी आएगी, और स्टोरी का नाम है लव विथ सोल, जो मैंने बहुत पहले आपको बताया था कि ये स्टोरी आने वाली है, और ये स्टोरी मेरे दिल के भी बहुत करीब है, और जिन्होंने मुझसे ये स्टोरी सुनाने की डिमांड करी है वो उनके भी दिल के बहुत करीब है। तो आप सब ये स्टोरी को उतना ही प्यार दीजिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। हाँ, एट द एंड ऑफ दिस स्टोरी आपके मन में एक सवाल ज़रूर आएगा, वो ये होगा क्या ये स्टोरी रियल है। हाँ, उसका जवाब मैं जब ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी तब देना ज़रूर चाहूँगी, पर ये स्टोरी मुझे किसी ने बताई है और उसने मुझसे ये रिक्वेस्ट करी है कि ये स्टोरी मैं दुनिया तक पहुँचाऊँ, तो कि आप तक पहुँचे। सो आप सब इंतज़ार कर रहे हैं, आज शाम को 6 बजे ये स्टोरी आएगी। सो माई लव, हैप्पी बर्थडे एंड विश यू अ मैनी मैनी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आप जैसे आज हंसते हो, हमेशा से हंसते रहो, और आप सबके लिए भी ये एक न्यू स्टोरी है, और आप सुनिएगा ज़रूर, और जितना प्यार देना है दीजिए, क्योंकि ये स्टोरी धीरे धीरे आपको भी बहुत 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 पसंद आने वाली है। सो थैंक यू।